सो गाइस फाइनली काफ़ी दिनों के बाद चैम पे वीडियो आ गई है बिकॉज चैम पे इसलिए वीडियो नहीं आती क्योंकि मैं चैम पे आ रखी थी पहले स्ट्राइक एंड वो स्ट्राइक अब हट चुकी है तो वीडियो आएगी डेली। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग BGMI में साउंड कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो कि मतलब बंदा किधर से आ रहा है हेडफोन के साथ। ओके विदाउट हेडफोन ये ट्रिक नहीं है, हेडफोन के साथ ही है। ओके एंड आप लोग को अगर जैसे कि आपको साउंड सुनने में दिक्कत हो रही है आपके हेडफोन के साथ भी और आपका हेडफोन उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैंने कुछ इस वीडियो में कुछ सेटिंग्स आपको बताई, उन सेटिंग्स को फॉलो कर सकते हो। ओके उन सेटिंग्स को फॉलो करने से डेफिनेटली आपको आपकी जो साउंड होगी ना वो इम्प्रूव होगी। iOS मतलब आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए मैंने बता रखी है तो आप उन दोनों में ट्राई कर सकते हो। ओके सो लेट्स बिगिन। सो आपको सबसे पहले अपने वीजे में सेटिंग में आके ऑडियो में चल जाना है। ओके एंड अल्ट्रा को आपको हाई पे कर देना है और जब को म्यूजिक को उसको ऑफ कर देना एंड माइक्रोफोन को हाफ एंड स्पीकर को हाफ कर देना। उसके बाद आईफोन की सेटिंग में जाने के बाद म्यूजिक पे क्लिक करना है, यहाँ पे साउंड चेक को ऑन कर देना है, ई क्यू करके होगा उस पर जाना है एंड लेट नाइट इसमें सेलेक्ट कर देना है। ओके एंड सेकंड स्टेप साउंड और वाइब्रेशन में जाके हेडफोन सेफली जाके रिड्यूस लाउड साउंड्स पे जाके 85 डेसिमल्स और 90 डेसिमल तक आपको कर देना। और ये आ गए हम लोग एंड्रॉयड में साउंड वाइब्रेशन जाके हम लोग को यहाँ पे जाना है इक्वलाइजर्स जो मिलता है इसको इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड ये देखो दोनों को आपको इस तरह सेलेक्ट कर देना होगा। ओके एंड अभी मैं आपको एक गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। ओके जिसमें मेरे जो बंदा होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है और आपको जो साउंड होगा ना मतलब सॉरी जो हेडफोन्स होंगे उनको लगा के आपको एक बार वो साउंड अच्छे सुननी है एंड आप लोग समझ जाओगे कि जब बंदा आपके राइट टू लेफ्ट में मूवमेंट करता है तो आपको कैसी साउंड आती है। तो चलिए वो आप रिकॉर्डिंग सुन ली। ओके आई होप कि आप लोग ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। तो अब मैं आपको रिकॉर्डिंग जो सुना भी सुनाने वाला हूँ वो होगी जब बंदा आपके ऊपर वाले फ्लोर पे मूवमेंट करता है उसमें कैसी आवाज़ आती है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मूवमेंट करता है कैसी आवाज़ एंड जब टॉप फ्लोर मतलब टेरेस पे मूवमेंट करता है तब कैसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो आप लोग एक बार आवाज़ सुनो फिर मैं आपको बताता हूँ। सो आप लोग ने आवाज़ सुनी ली होगी एंड जब आप लोगों ने देखा कि जब टेरेस पे जो बंदा मूवमेंट करता है तब जो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई घोड़ा हो वो मूव कर रहा हो एंड उस आवाज़ में बिल्कुल बेस नहीं होता, एकदम भारी सी आवाज़ होती है। एंड जब टॉप बिल्कुल आपके ऊपर वाले फ्लोर पे जब बंदा मूवमेंट करता है तब ऐसी आवाज़ आती है कि उस आवाज़ में बेस होता है। ओके जब उस आपके ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे होता है तब ऐसी आवाज़ आती है कि मतलब उस वॉइस में बेस होता है लेकिन वो आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि मुझे आपको यही बताना था। और अगर आप चाहो और अगर आप मुझे कुछ टिप्स वगैरह लेना चाहो कि कैसे फाइट वगैरह करते हैं तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बस आपको कमेंट करना है। ओके एंड मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जितनी होते हैं वो शेयर कर दूँगा एंड आप लोग बैकग्राउंड मेरा गेम प्ले देखना ही देख ही रहोगे। ओके एंड अगर आपको फुल गेम प्ले देखना है तो उसके लिए भी कमेंट करना ही पड़ेगा तब आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। ओके सो यही था आज की वीडियो में, अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि इतना वीडियो लेट आई है एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी वगैरह लगे तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।